आज हम मेथी का ढेबरा बनाएंगे। आधा कप जवारी का आटा लिया है, आधा कप बाजरी का आटा। मैंने जवारी और बाजरी दोनों का आटा यूज़ किया है। अगर आप चाहे तो कोई एक ही आटा ले सकते हो, तो वो एक कप जितना लेना है। आधा कप गेहूं का आटा, आधा टेबलस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, एक टीस्पून लहसुन की पेस्ट, आधा टेबलस्पून अदरक की पेस्ट। नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। 3 टीस्पून शुगर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून तिल। मिक्स कर लेंगे। वन एंड हाफ टेबल स्पून तेल, 3 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 कप बारीक चॉप मेथी की भाजी है ये डालेंगे। भाजी को आटे के ऊपर फैला लेंगे। भाजी के ऊपर 1 टीस्पून तेल डालेंगे। तेल को भाजी में मिक्स कर लेंगे। अब भाजी आटे में मिक्स कर लेंगे। दही डाल के आटा गूंदना है। आटा गूंद लिया है। आटा गूंदने में जितना दही लगे उतना दही डाल के आटा गूंदना है। 1 टीस्पून तेल डाल के आटे को चिकना कर लेंगे। आटा थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। आटे में से एक बड़ा लुआ बनाएंगे। गेहूं के आटे में लपेट लेंगे। बेल लेंगे। ढेबरा हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है। ढेबरा बेल लिया है, इसे तवे पे डाल के सेक लेंगे। तवा गरम हो गया है, ढेबरा ऊपर डाल के सेक लेंगे। 30 सेकंड के बाद पलट लेंगे। ढेबरा डाल के पहले लो फ्लेम पे कुक किया है, अभी फ्लेम मीडियम कर लेंगे। वापस टर्न करेंगे, दूसरी साइड पे गोल्डन हो जाए उसके बाद पलटना है। तेल डालेंगे। पलट के दूसरी साइड पे तेल लगाएंगे। वापस पलट के सेक लेंगे। ढेबरा रेडी है, एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी का ढेबरा भी बना लेंगे।